के द्वार रोज आता भिक्षा मांग, रोज आता भिक्षा मांग। वृद्धा बैठी रहती द्वार पर, मना कर देती बुरी तरह, चलो बाबा कुछ नहीं चलो, तुम्हें और कोई काम नहीं, यही घर मिलता है, रोज आ जाते, चलो कुछ नहीं। रोज मना करती पर भिखारी ठहरा, वह भी रोज आता तो बढ़िया, फिर मना कर, ये नियम था। वो मना करना बंद न करे, वो आना बंद न करे। एक दिन वह वृद्धा कहीं गई थी मोहल्ले में किसी के यहां, पीछे से वो भिखारी आया तो बहू थी घर में, कुछ मिल जाए भिक्षा, तो बहू ने कहा कि बाबा जाओ कुछ नहीं है, जाओ। भिखारी चला गया, रास्ते में वो सास मिल गई, वो वृद्धा कहां गए थे बाबा, तुम्हारे यहां गए थे, कुछ मिला ना, क्यों, बहू ने मना कर दिया। बहू ने मना किया, बहू कौन होती मना करने वाली, चलो लौट कर। भिखारी ने सोचा इन दोनों के झगड़े में हमें फायदा, वो भी आ गया। सास ने कहा तूने मना किया, बहू बोली जी माता जी, क्यों किया, आप करती थी ना रोज, में तो जो मैं करूंगी सो तू करेगी, मेरी बराबरी कर रही है, कल से आई है, मेरा हुक्म चलेगा, मैं जो कहती हूं वह होता है, तूने कैसे कहा, बहुत डांटा। बहू बोली गलती हो, गलती, अच्छा गलती है, मेरी बराबरी कर रही, अपराध है, बहुत बड़ा अपराध। माता जी हां, बहुत डांटा। भिखारी ने सोचा कि अब ठीक है, लेकिन बहू को डांटते हुए सास बोली मना करती तो मैं करती, तू कौन है मना करने वाला। और इतना कहकर भिखारी से बोली बाबा अब मैं मना करूं, कुछ नहीं है जा। तो हमारे अभिमान की हालत तो ऐसी है, मना भी करें तो हम करें, अहम कितने सूक्ष्म आकार लेकर बना रहता। एक बार 1,000 रुपए की इनाम रखी, चंचल घोड़ा, इस पर कोई बैठकर सवारी करके बता दे, वो घोड़ा इतना चंचल कि जो पीठ पर बैठे उसी को गिरा दे। एक आदमी बोला मैं इनाम जीतूंगा, 1,000 रुपए में बैठूंगा, बैठा घोड़े पर, बैठा घोड़े ने छलांग लगाई, एक बार में एक हाथ आगे खिसक गया, दूसरी बार में यहां सिर तक, तीसरी बार में गिर गया। लोगों ने कहा हार गया हार गया। बोला कौन उठकर खड़ा, बोले कौन कहता हार गया, जीत गया हूं 1,000 रुपए दो। बोले कहा कि धूल तो झड़ाओ नीचे गिर गए, काम नीचे गिरे ही नहीं। कहा क्यों नहीं गिरे, सबके सामने गिरे। बोले सब कहते रहे हम माने तब तो, हम गिरे ही नहीं, गिरे नहीं तो फिर घटना क्या घटी। उसने कहा हम तो प्रगतिवादी हैं, घोड़े ने छलांग लगाई, एक हाथ आगे बढ़ गए, दूसरी छलांग में सिर तक आ गए, और तीसरी छलांग में गिरे, गिरे नहीं, हम तो आगे बढ़ रहे थे, अब घोड़ा ही खत्म हो जाए तो हम क्या करें। कुछ लोग ऐसे भी, गिरने को भी गिरना नहीं मानते, दुर्गति को भी प्रगति, हम तो आगे बढ़ रहे। एक आदमी रास्ते से जा रहा था, दूसरा आदमी छत पर टहल रहा था, पान खाए हुए था, बिना सोचे समझे पान की पीक नीचे चला दी, और राहगीर बेचारा टोपी लगाए उसके सिर पे गिरी, तो उसने ऐसे देख के कहा कि भाई साहब नीचे देखकर नहीं थूक सकते, तो भी उसको गलती मान के भाई गलती हो गई माफ करो भाई ना, कहा कि भाई साहब नीचे देखकर नहीं थूक सकते, क्या बोला तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते। उसने कहा गनीमत है कि ऊपर देखकर नहीं चल रहे थे, नहीं सिर का स्थान मुंह ही होता। अभिमानियों की ऐसी ऐसी हालत है महाराज, दो में झगड़ा हुआ, एक ने कहा ऐसा तमाचा मारेंगे कि तुम्हारे 3200 दांत नीचे आ जाएंगे, दूसरा भी गुस्से में था कहा मैं ऐसा तमाचा मारेंगे कि तुम्हारे 64 दांत नीचे आ जाएंगे 64, तो तीसरा बोला जरा होश में 64 होते भी हैं तो भी गलती नहीं मानी, क्या बोला हम जानते थे हम दो के झगड़े में तुम तीसरे जरूर बोलोगे, तो 32 उसके 32 तुम्हारे 64 पूरे। इसलिए भाई
हमारी तो यह दशा है। और हनुमान जी न गुमान है ऐसे, जिसमें न ग्लानि हो न गुमान हो, ऐसे श्री हनुमान है। अब हनुमान जी को इन तीनों रूपों में देखना चाहिए। अब गुरु रूप में अगर देखें तो वानरों के साथ हनुमान जी जा रहे हैं, और वानर सीता जी को खोजने जा रहे हैं, जंगल में भटक गए। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि महान गंभीर गहन वन जंगल क्या है, वे कहते हैं शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। ये शब्द जाल बहुत बड़ा जंगल है, चित्त को भ्रमित करने का कारण है शब्द। शब्द जाल का जंगल। अच्छा जरा इस पर विचार करें, भगवान शंकराचार्य कहते हैं शब्द जाल का जंगल है, लेकिन क्या यह भी शब्द नहीं? जैसे कोई कहे कि तुम सत्य स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, चैतन्य हो, यह सत्य तो है, पर क्या यह भी शब्द नहीं है? तो क्या तो शब्द भटकाता है या शब्द सत्य तक पहुंचाता है? पर भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जंगल है, भटका देता है। चलो इसको आप ऐसे विचार करो कि शब्द बहुत जरूरी है, लेकिन असावधानी हुई तो जो शब्द सत्य तक पहुंचाता है, असावधानी होने पर वही पूरी तरह भटका देता है। कैसे? ऐसे समझो कि जैसे हम लोग दुनिया भर देखना चाहें तो देखते ही हैं, भगवान ने आंखें दी हैं, अकल दी है, देख लेते हैं। लेकिन अगर अपना चेहरा देखना हो तो दर्पण की जरूरत है कि नहीं? तो दर्पण के बिना चेहरे का ज्ञान होगा नहीं होगा? तो दर्पण चेहरे तक पहुंचाता है कि भटकाता है? चेहरे तक पहुंचाता है। लेकिन दर्पण भटका भी सकता है। कब भटका देता है? का जब हम चेहरा देखते हैं दर्पण में तो कहां दिखता है? वहां दर्पण में दिखता है। अच्छा आप विचार करो, क्या दर्पण में चेहरा है? विडंबना यही है कि जहां दिखता है वहां होता नहीं है, और जहां होता है वहां दिखता नहीं है। जहां होता है वहां दिखता नहीं, और जहां दिखता है वहां होता नहीं। अब दर्पण में दिखने वाले चेहरे को ही कोई सत्य समझ ले और जिंदगी भर उधर हाथ मारे, किसकी नाक पकड़ने, कान आएगा कभी पकड़, और कभी सोचे कि हो सकता है कि हम भोजन करके पकड़ रहे हैं इसलिए फलाहार करें तो शायद आ जाए, व्रत करने से आ जाए। कितनी भी साधना की जाए पकड़ में नहीं आएगा, और दिखेगा वहीं जहां पकड़ में नहीं आएगा, तो करें क्या? अगर दर्पण में दिखने वाले चेहरे को ही सत्य समझ लिया तो दर्पण ने आपको पहुंचाया नहीं, भटका दिया। लेकिन दर्पण में दिखने वाले चेहरे की ओर हाथ न बढ़ाकर जिधर दिख रहा है उधर हाथ न बढ़ाएं, जिधर से दिख रहा है उधर हाथ लौटाएं, तो उधर दिखने वाली नाक उधर हाथ बढ़ाने से पकड़ में नहीं आती, इधर लौटाने से जब इसे पकड़ते हैं तो उधर वाली अपने आप पकड़ में आ जाती है। तो देखना उधर पड़ता है, पाना इधर होता है। इसी तरह सत्य का चेहरा शब्द के दर्पण में दिखाई देता है, लेकिन सत्य शब्द में नहीं होता है, सत्य शब्दातीत होता है। इसलिए देखो शब्द में, पाओ कहीं और। भगवान श्री राम कृष्ण देव कितना सुंदर उदाहरण देते हैं कि पंचांग बिल्कुल सही सूचना देता है कि इतने समय इस दिन इतना पानी बरसेगा, बिल्कुल सही सूचना। पंचांग देखकर बताया कि इस समय तो वर्षा का योग है, सही सूचना। पर वे कहते हैं कि पूरे पंचांग को निचोड़ डालो, एक बूंद भी पानी नहीं गिरेगा उससे।
अच्छा अगर आज का उदाहरण देखें, रेल टाइम टेबल, रेलवे टाइम टेबल, कई बार यही लोग आपको जान, रुको नहीं बता, इस समय ये गाड़ी है, इस समय ये गाड़ी है, सभी गाड़ियां हैं उसमें, सभी रेलगाड़ियां हैं, लेकिन सभी होने के बाद भी एक भी हो सकती है उसमें, इतनी सी किताब में रेलगाड़ी। अब कोई रेलवे टाइम टेबल में लिखी रेलगाड़ी को ही सत्य समझ ले तो कहीं पहुंचेगा, कहीं नहीं पहुंचेगा। लेकिन दूसरी बात भी, दूसरी बात यह है कि अगर रेलगाड़ी में लिखी हुई रेलगाड़ियों को असत्य समझ ले तो भी क्या कहीं पहुंचेगा? तब बड़ी विचित्रता है, उसमें लिखी हुई रेलगाड़ी को सत्य भी समझना है और सत्य नहीं भी समझना है, क्योंकि उसमें लिखा बिल्कुल सत्य है पर वहां मिलेगा नहीं। इसी तरह कुछ लोग हैं जो ग्रंथों का विरोध करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं, और कुछ लोग हैं जो ग्रंथों के शब्द और अक्षर को बस ऐसा पकड़ लेते, बस शास्त्र, और शास्त्र को शस्त्र बना के प्रहार करते रहते। दो ही तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों के हाथ में शस्त्र होता है, कुछ लोगों के हाथ में शास्त्र। और शस्त्र का अगर अभिमान आ जाए तो वे लोग भी समाज को कम नहीं सताते, और शास्त्र का अगर अभिमान आ जाए तो वे लोग भी समाज को कम नहीं सताते। इसलिए भाई शास्त्र तो ऐसे समझो जैसे पंचांग, शास्त्र तो ऐसे समझो जैसे रेलवे टाइम टेबल। ये बात सही है कि पुस्तक, उसका नाम है पुस्तक, उस तक नहीं पहुंचाती, ये केवल पुस्तक है। अंग्रेजी बोलते पुश पुश करो, ये पुस्तक मतलब उस दिशा में धक्का देने के लिए है